जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य से सिपाही की परीक्षा और बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए 40 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं और आज आपको टारगेट दिया जाता है 30 प्रश्नों का, यानी कि आपको 40 प्रश्न में से 30 प्रश्न का सही सही आंसर करना होगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सलारजंग संग्रहालय खाली स्थान में स्थित एक कला संग्रहालय है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, सलारजंग संग्रहालय ये कहाँ स्थित है, आपको आंसर करना है। और देखिए दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर बताना है और जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो सलारजंग संग्रहालय जो है तेलंगाना में स्थित है। तो जो ही बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय स्थित है। और देखिए, ये टेस्ट पेपर है और इसमें हम प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर है, ये जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है, याद रखेंगे। आगे देखिए, हरित गृह प्रभाव किसकी अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? अब देखिए, यहाँ पे बहुत बच्चे इसका आंसर गलत बताएंगे, देखते कितने बच्चे सही आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे मीथेन को दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, अगर ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो आपको मीथेन आंसर करना है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड दे ऑप्शन में तो आपको आंसर करना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हरित गृह प्रभाव किसकी अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मीथेन, ध्यान रखेंगे। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल आपको सोच समझ कर आंसर करना है, आपको टारगेट को ध्यान में रख के चलना है, 30 प्रश्नों का सही सही आंसर देना है। तो दोस्तों, नारंग कप जो है ये संबंधित है बैडमिंटन से, तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? चलिए पांच के लिए आंसर बताएंगे, फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा क्या है, यूरो है। दिए गए भौतिक राशियों में से किस युग्म की विमाएं समान है? पहले भी हमने आपको इस प्रश्न को बताया था, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। इन चारों ऑप्शन में से किस भौतिक राशियों में से इसकी जो विमाएं हैं समान है? तो सही आंसर है कार्य और ऊर्जा, ध्यान रखेंगे, ये दो ऐसे भौतिक राशियां हैं जिसके विमाएं समान है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए, महात्मा गांधी की मृत्यु और जन्म दोनों याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। मृत्यु 30 जनवरी 1948 और जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। तो ऑप्शन ए जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चलिए आप सभी आठ के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे हल्दिया कहाँ है। भारत सरकार के पहले
सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो ये है अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? इन चारों ऑप्शन में से कौन सी किरणें हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो ये है एक्स किरणें, याद रखेंगे। और इसका खोज किया था रॉन्टजेन ने। पारसेक मात्रक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। पारसेक किसका मात्रक है? तो यहाँ पे सभी का सही आंसर है, पारसेक जो है दूरी का मात्रक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ध्यान दीजिए, सूर्य ग्रहण जो है ये होता है अमावस्या को। तो बी ऑप्शन जो ये बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अमावस्या को। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी सेशन को दिल से एक बार लाइक करें। तो किसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है? तो याद कर लीजिए, ये है यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑक्सीजन की। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, यह किया जाता है अवतल लेंस का। आगे देखिए, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला जो लौंग है कहाँ से प्राप्त होता है? चलिए आंसर बताएंगे, लौंग को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जो ही बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, फूल की कली से। ऐसे परमाणुओं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसको बोलते हैं समस्थानिक। निम्नलिखित में से किसी एक का अधिकतम ईंधन मान होता है, यानी किस एक का जो ईंधन मान होगा वो मैक्सिमम होगा? पहले भी हमने आपको बताया था, तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, हाइड्रोजन का। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है, और इसको भविष्य का ईंधन भी माना गया है। किसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आधिक्य बजट की संस्तुति जो है तेजी के दौरान की जाती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? चलिए आप सभी 20 के लिए आंसर बताएंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो पहले भी हमने आपको बताया था 2001 में। OPV का टीका किससे संबंधित है? आंसर बताएंगे, OPV ये जो टीका है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर है, पोलियो रोग से संबंधित है। बहुत दिनों के बाद ये किसकी रचना है? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे, बहुत दिनों के बाद किसकी रचना है? तो याद कर लीजिए, ये नागार्जुन की रचना है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नीलम जिसको रूबी भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं, यानी किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन -40 डिग्री। यूरोप में पिरनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, यूरोप में है पिरनी पर्वत श्रृंखला और ये अलग करती है स्पेन और फ्रांस को। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। राजस्थान में है खेतरी खदान और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? चलिए आंसर बताइए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो ये याद रखिए, ये अग्नाशय से निकलता है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए बिहार का प्रथम जो रामसर साइट है ये स्थित है बेगूसराय। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों याद कर लीजिए, ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है 1944 में हुआ था। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत के तीन युद्ध हुए थे, पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो आंसर है 1761 में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, भारत का कौन सा राज्य है इन ऑप्शन में से जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये है असम, ध्यान रखना है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताइए। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? चलिए आंसर बताएंगे 36 के लिए। और देखिए 34 और 35 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, टाइपिंग एरर है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो ध्यान दीजिए मायोसिन प्रोटीन जो है ये पाई जाती है पेशी में। यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन का खोज किया था मूलर ने और इसका नामकरण किया था बर्जिलियस ने। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, इसका रीजन क्या है? तो ध्यान दीजिए, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, इसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। माचिस की तीली पर निम्न में से किसका मसाला उपयोग होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 39 का, फास्फोरस, लाल फास्फोरस होता है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।